हेलो एवरीवन, यस बेटा, टुडे वी विल लर्न मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर लर्निंग मल्टीप्लिकेशन यू हैव टू नो द टेबल्स। ओके, आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए इफ यू वांट टू डू मल्टीप्लिकेशन सम्स। विदाउट टेबल यू कैन नॉट डू मल्टीप्लिकेशन सम्स। यस, नाउ व्हाट डू मीन बाय मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लीकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। रिपीट मीन्स बार बार, एडिशन मीन्स प्लस, एक ही चीज को बार बार प्लस करना, ठीक है, वो होती है हमारी मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाएंगी सो दैट यू कैन इजिली लर्न। यस, नाउ लुक एट हियर एंड टेल मी हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर। आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6? नो, वी विल नॉट डू लाइक दिस। वी विल वॉच हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर। अब देखो, एक ग्रुप है, टू ग्रुप है, थ्री ग्रुप है। हमने क्या करना है? एक ग्रुप पे कितने फ्लावर्स है? टू। हाउ मेनी फ्लावर्स इन फर्स्ट ग्रुप? टू। इन दिस ग्रुप? टू। इन दिस ग्रुप? टू। नाउ what we will do, we will add this। आपने कॉमन थिंग देखी इसके अंदर? टू फ्लावर्स के थ्री ग्रुप हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स? टू फ्लावर्स के वन ग्रुप, टू ग्रुप, थ्री ग्रुप। टू फ्लावर्स है ना, फर्स्ट ग्रुप में टू फ्लावर्स, सेकेंड ग्रुप में भी टू फ्लावर्स, थर्ड ग्रुप में भी टू फ्लावर्स। देखो, टू प्लस टू प्लस टू, टू फ्लावर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। काउंट करो इसको, 2 + 2 4, 4 + 2 6। नाउ अब इसको बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? टू ग्रुप, टू टू टू। अब इसको हमने मल्टीप्लीकेशन में कैसे लिखना है? ग्रुप काउंट करो, 1 2 3, ठीक है। तो यू विल राइट 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है बार, थ्री बार, तीन बार क्या आया? टू, थ्री टाइम्स टू। अब मैथ्स में हम कैसे लिखते हैं इस टाइम्स को? थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू, थ्री टू जार सिक्स, सिक्स। फाइन, आपने एक चीज देखी, हमने किया रिपीटेड एडिशन, सेम नंबर के फ्लावर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और थ्री टाइम्स टू, ये आ गया हमारा टाइम्स को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। जब हम टेबल करते हैं, 2 1 is 2, 2 2 are 4 करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन हमें लगाते हैं। तो थ्री टाइम्स टू, आप ग्रुप देखेंगे कितने ग्रुप हैं, 1 2 3, थ्री ग्रुप, थ्री टाइम्स कितने फ्लावर्स आए? टू फ्लावर्स आए। फाइन, ये था हमारा रिपीटेड एडिशन। We will take one more example of this. This is only your introduction. We will do bank book exercise in next class. अब आप मुझे ये चीज बताओ, 1 2 3, 1 2, 1 2 3 4, क्या ये रिपीटेड एडिशन है? Look at here. पहले आए 3, फिर आया 2, फिर आया 4, क्या ये रिपीटेड एडिशन है? No. एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है। फाइन, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है। जब एक ही चीज बार 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 रिपीट होगी, उसे हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। ओके, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड एडिशन। नाउ आप देखो, 3 + 3 + 3 + 3, काउंट करें, 3 + 3 6, 6 + 3
9 प्लस 3 12 नौ। अब इसको कैसे लिखेंगे, मैम ने क्या बोला था, ग्रुप्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 टाइम्स, देखो वन ग्रुप में कितने सर्कल हैं, 1 2 3 सब में 3 है, ये 3 3 3 3 ये चीज आपकी सेम होनी चाहिए, 4 times 3। अब टाइम्स को मैम ने कैसे लिखने के लिए बताया आपको, 4 multiply 3। नाउ काउंट, 4 3s are टेबल आपको आना चाहिए बिल्कुल, 4 3s are 12, 4 times 3 दिस वॉज योर रिपीटेड एडिशन, ये है हमारा रिपीटेड एडिशन, दिस इज योर मल्टीप्लीकेशन। फाइन, जब भी मैथ्स के सम आपने करने हैं मल्टीप्लीकेशन के, अगर आपसे रिपीटेड एडिशन पूछा जाएगा तो यू विल डू ओनली दिस, अगर आपसे मल्टीप्लीकेशन पूछा जाएगा देन यू विल डू दिस। बेटा यू कैन डू इजिली, जंप स्टार्ट पेज नंबर 54। आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको यहाँ पे डक्स दे रखी हैं, आप फिश दे रखी हैं, आप फिश काउंट करोगे, डक्स काउंट करोगे, फ्रॉग्स काउंट करोगे और टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स लिखोगे। दिस क्वेश्चन यू कैन डू वेरी इजीली, सो यू विल डू दिस फर्स्ट क्वेश्चन इन योर बुक टुडे। ओके बेटा, गुड बाय, देन वी विल डिस्कस ऑल थिंग्स इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय बच्चा।